हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमांटिक स्टूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है। आपको सरकारी नौकरी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब की जानकारी ये है कि आप ये सोचते हो ना कि गवर्नमेंट जॉब निकलती ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत निकलती है लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है। आज हम ऐसी ही एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें शुरुआती दिनों में जैसी जॉब लगेगी शुरुआती दिनों में ही आपको 65 से 70 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। और ये आपकी महज 2 से 3, 4, 5 साल करोगे नौकरी, उसके दिन बाद आपका कम से कम 1.5 लाख रुपये महीने हो जाएंगे। और जिस दिन रिटायरमेंट होगा ना उस समय तक आपकी जो सैलरी है कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी हो जाएगी। 2-2.5 लाख रुपये से भी कहीं ज़्यादा रुपये महीने हो जाएगी सैलरी आपकी, ये समझ लीजिएगा। तो बहुत ही खास नौकरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर। जो आपने देखा होगा सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें नर्स बोलते ना सिस्टर, ठीक है, तो इनको पहले सिस्टर के नाम से आती थी ये वैकेंसी, अब ये नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आ रही हैं। तो इसमें बहुत सारे सुधार किए हैं और ग्रेड 2 में लगती हैं। ये किसमें लगती हैं? ग्रेड 2 में, राइट। चलिएगा तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो ये निकली है आपकी KGMU। KGMU मतलब हो गया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो इसमें ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। पूरे 1291 पद हैं, लगभग आपके 1300 पद हैं, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर में 1300 पद अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें सैलरी तो आपको पता ही चल गया, शुरुआती दिनों में सैलरी मिलेगी आपको 65 से 70 हज़ार रुपये महीने, राइट। चलिएगा एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उससे पहले हम एज के बारे में बात कर लें। एज आपकी 18 से 40 वर्ष के, तब इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेन चीज के, इसमें क्या मांगा क्या है, कौन इसको भर सकते हैं। जिन्होंने नर्सिंग कर रखा है भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। बस आपको नर्सिंग के साथ में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नर्सिंग आपने BSc नर्सिंग कर रखी हो या BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखी हो, लेकिन कहाँ से कर रखी हो, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से, या चाहे तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, लेकिन वो ऐसी आपकी कॉलेज होनी चाहिए जहाँ से आपने पढ़ाई की है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये समझ लीजिएगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं नर्सिंग तो करा देती हैं, लेकिन वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, इसलिए उनकी जो डिग्री है वैलिड नहीं होती है। तो इसमें वही डिग्रियां वैलिड हैं जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, राइट। चलिएगा, या आपने देखिएगा, अब BSc में आपको बता दूं, या तो आपने BSc कर रखी हो, ठीक है, या आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग में कर रखी हो, या आपने क्या कर रखा हो, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट ले रखा हो नर्सिंग में, या आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग सर्टिफिकेट ले रखा हो, ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या आपने 12th के बाद यदि BSc नर्सिंग की डिग्री नहीं ले रखी है, कोई बात नहीं, BSc के बाद यदि आपने डायरेक्ट BSc नर्सिंग का डिप्लोमा किया है और कहीं किसी हॉस्पिटल से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, और हॉस्पिटल भी ऐसा जिसमें 50 बेड का कम से कम हॉस्पिटल होना चाहिए, 50 बेड या उससे अपर के हॉस्पिटल में आपने 2 साल इस नर्सिंग का एक्सपीरियंस वहां पर किया है, यानी एज ए नर्स असिस्टेंट काम किया है, तब इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर जिन्होंने ये कर रखा है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, और जो स्टूडेंट नर्सिंग करना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि नर्सिंग करने से क्या फ़ायदा, तो उनको आज पता चल गया होगा कैसे वैकेंसी निकलती हैं, कि आपको BSc नर्सिंग करनी है तो इस ऐसी जगह से करनी है जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। दूसरी बात, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि आपका एक रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। तो चलिए, जब आप नर्सिंग करते हो तो रजिस्ट्रेशन तो वो वहीं पर हो जाता है, जो रजिस्ट्रेशन की क्या है, रजिस्ट्रेशन तो आपका हो ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए 3 साल की आपने BSc नर्सिंग की, 1 साल की जब इंटर्नशिप करते हो, तो रजिस्ट्रेशन जितने भी इंस्टीट्यूट यदि वो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं तो वो अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। तो आप और नहीं भी ना भी कराएं तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो यदि आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं।
तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आपका चलता है कुछ चीजें, आपको मैं बता दूं पेपर कैसा होता है, पेपर के बारे में आपकी जिज्ञासा उठ रही होगी सब, पेपर कैसा होगा, सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि पेपर भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। पेपर एक पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, जिसमें आपके देखिएगा 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कि आपका नर्सिंग से रिलेटेड यानी पोस्ट से रिलेटेड, यानी बीएससी आपने नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग से ये जॉब मिल रही है, तो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे, और आपके 40 क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ के, और 10 क्वेश्चन जीके के जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो यानी कि 60 वो और 40 ये, तो कुल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका 1 सही क्वेश्चन के बराबर नंबर काट लिया जाएगा, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन छेड़ा ही नहीं, ना तो सही किया ना गलत किया, तो उस पर ना तो नंबर कटेगा ना जुड़ेगा। गलत कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, सही कर दिया तो आपका 1 नंबर जुड़ जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो 22/7/2023 से, यानी कि 22/7 निकल गई, आज तो आपकी 30 तारीख है, तो यानी कि तारीख निकल चुकी है, लास्ट डेट आने वाली है इसकी 10/8/2023, यानी कि 10 दिन के लगभग और बचे हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के इच्छुक और जिन्हों जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। बेसिक जानकारी दी है मैंने, बाकी आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक पूरी संपूर्ण वीडियो बनाई जाए, स्पेशली इसी के ऊपर पूरा जानकारी दी जाए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो वो आप कमेंट कीजिएगा, आगे बताएंगे। फिलहाल मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।